साथियों, जैसा कि लगातार आप लोग फ़ोन के माध्यम से, मैसेज के माध्यम से संगठन द्वारा किए जा रहे कार्यों के बारे में और शासन और सरकार में शिक्षा मित्रों के प्रति किए जा रहे विभिन्न कार्यों के बारे में जानना चाह रहे थे, तो आज पिछले 2 दिन से लगातार के प्रांतीय पदाधिकारियों द्वारा शासन प्रशासन व सरकार के अभिन्न अंग माननीय MLC महोदय, विधायक जी और शासन के अधिकारियों से मिलकर के लगातार बात की जा रही थी। 2 दिन की अपडेट आज आपको आदरणीय अध्यक्ष जी देने जा रहे हैं और आप लोगों से अनुरोध है कि व्यक्तिगत रूप से बहुत ज़्यादा फोन कॉल्स पे ना आया करें, क्योंकि असहजता महसूस होती है हम लोगों को जब कहीं बैठे होते हैं अधिकारियों के यहाँ या बड़े माननीय नेता लोगों के यहाँ, तो थोड़ा सा दिक्कत होती है। जो भी सूचना आपको होगी सामूहिक रूप से, वह ग्रुप के माध्यम से या फेसबुक पेज के माध्यम से या यूट्यूब चैनल के माध्यम से जब संगठन का बना है तो आप लोग इसके माध्यम से लिया करें। अन्य चैनल क्या कह रहे हैं उस पर बहुत ज़्यादा सोचने विचारने की जरूरत नहीं है। हमने देखा आज पिछले 2-3 दिन से आप लोगों के कमेंट्स आ रहे थे कि इस YouTube चैनल पे कहा जा रहा है, इस खबर में ये आ रहा है, ये न्यूज़ वायरल की जा रही, तो आप लोग जब संगठन के प्रमाणित चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, उस पर आई हुई खबर को देखेंगे, तो फिर आपको जो है कोई भी झूठ परोसने की हिम्मत नहीं करेगा और आप झूठ नहीं देखेंगे। इसलिए संगठन के फेसबुक पेज, संगठन के चैनल पर आप लोग आया करें और आप लोग बिल्कुल संतुष्ट रहे कि जो भी संगठन द्वारा सूचना दी जाती है वह पूरी तरह से प्रमाणित और सत्य जाती है, उसमें कहीं से भी कोई गलत सूचना नहीं होती है। या हम आप सबको आश्वस्त करते हैं, आप लोग बिल्कुल परेशान ना हो, काम सरकार में चल रहा है, समय जरूर लग रहा है, लेकिन जल्दी ही आप सबको अच्छी सूचना मिलेगी और उसके लिए सारे संगठन के पदाधिकारी प्रयासरत। इस नई वीडियो में, ये वीडियो आप सभी शिक्षा मित्र साथियों के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण होने वाली है। इस वीडियो में आपके बीच में वर्तमान की एक काफी ज्यादा बड़ी खबर साझा करेंगे। ये खबर आपके स्थायीकरण के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है, तो सभी साथी वीडियो को पूरा देखें। चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत ही इसे सब्सक्राइब भी कर लें। आप चलते हैं अपडेट पर। हमारे जिला अध्यक्ष साथियों ने, आप लोगों ने जो मेहनत किया उसके बाद से सरकार में हलचल बढ़ी है और माननीय मुख्यमंत्री से मुलाकात के लिए आप लोग जो प्रश्न करते हैं, तो हमने कई बार आपसे कहा कि केवल फ़ोटो खिंचाना आप नहीं है, अब माननीय मुख्यमंत्री जी से अधिकारियों के साथ बैठक होनी है और उसमें जो भी मामला तैयार किया जा रहा है माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश पर, उसको आप लोगों को रिजल्ट लेना है। इसलिए जल्दबाजी कतई नहीं है, भले 4 दिन बाद मिलेंगे लेकिन जब भी मिलेंगे फाइल कागज़ के साथ मिलेंगे और पिछले कुछ दिनों से लेकर के आज तक की जो भी जानकारी है आदरणीय अध्यक्ष जी आपको विधिवत देंगे। आप आदरणीय अध्यक्ष जी को सुने और सभी साथियों से निवेदन है कि जो विभिन्न ग्रुपों में जो अपुष्ट खबरें चलती हैं उनको इधर उधर वायरल करने की जरूरत नहीं। हमारे शिक्षा में साथी बहुत संजीदा हैं, अपने भविष्य को लेकर के बहुत परेशान हैं। कोई भी एक गलत खबर किसी भी साथी के लिए दुखद हो सकती है, इसलिए आप सबसे निवेदन है कि आप प्रमाणित खबर को ही आगे बढ़ाया करें। आदरणीय अध्यक्ष जी आप सबको पूरी जानकारी देंगे। धन्यवाद। जितने भी साथी जुड़े हैं सबको बहुत बहुत धन्यवाद और जो जुड़े हैं उनसे अनुरोध है कि हमारी बात को अंतिम शिक्षा मित्र तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले तो आप सबके लिए कुछ कहूँ ना कहूँ, कुछ तो सोचा करो, सह सकूं दर्द उतना खरोचा करो और व्याध को क्या पता तीर के पीर को दम निकल जाए तब पंख नोचा करो। अपनी स्थितियों को संयमित रखिए, अपनी भाषाओं में मिठास रखिए और निश्चित रूप से जो लोग बैठे हैं ये निरंतर आपके लिए